मैं बिहार के एक छोटे से शहर बेतिया में हूँ और मेरे साथ दीपक साहब हैं और दीपक साहब एक बड़े बिजनेसमैन हैं, तो उनसे आज जो बिहार की और हिंदुस्तान की स्थिति है उसके बारे में कुछ बात करने की कोशिश करता हूँ। दीपक भाई साहब, आप बताइए कि आप अपना परिचय दीजिए कि आप किस टाइप का बिजनेस इस बिहार में और बेतिया शहर में करते हैं। मैं एक व्यवसायी हूं और ये पारिवारिक बिजनेस हम लोग का चल रहा था, पंपिंग सेट किर्लोस्कर का, क्रॉम्पटन का। ये बेसिकली इरिगेशन से रिलेटेड चीज़ें हैं। किसानों को अंडर वन रूफ सभी ज़रूरत की चीज़ें मुहैया कराई जाती हैं, उसके एग्रीकल्चर इनपुट से रिलेटेड, जिसमें इलेक्ट्रिक मोटर्स आती हैं, डीजल पंपसेट्स आते हैं, उसी इंजन को प्राइम मूवर है तो वो लोग उसको जनरेटर में भी यूज़ कर लेते हैं, या गाँव में लेदी काटने के लिए या थ्रेशर चलाने के लिए भी यही इंजन यूज में आता है। ठीक है, तो मैं उसका एजेंसी है, उसकी डीलरशिप है उसके, और उसके स्पेयर्स को मैं रखता हूँ। तो ये बताइए कि बहुत सारे बिजनेसमैन आजकल थोड़े परेशान नज़र आते हैं और कहना उनका ये है कि उनके जो व्यवसाय है, उनका जो धंधा है, करीब करीब 30-35% कम हो चुका है। आपके बिजनेस में क्या हाल है? देखिए, ये एक रीज़न नहीं होता है, मैं आपको बताऊं कि मेरी समझ में कि बिजनेस क्यों डिक्लाइन पे है या स्लम है, इसके पीछे बहुत रीजंस होती हैं। मेरा जो बिजनेस है बेसिकली वो मौसम से बहुत अधिक प्रभावित होता है। अगर मान लीजिए सिंचाई का समय है, किसानों को मोटर और इंजन चाहिए, पंप सेट चाहिए, और उस समय अचानक बारिश हो गई जो कि अनप्रिडिक्टेबल है, जैसे आज हो गई, तो जिसको इमीडिएट इरिगेशन करना है वो तो मेरे पास आएगा और मेरे से सामान खरीदेगा, लेकिन जब उसको उसका एक सिंचाई का पर्पस सॉल्व हो गया तो वो 30,000 रुपया या 10,000 रुपया इमीडिएट नहीं फंसा के डेफर कर देगा अपने डिसीजन को, अपने परचेजिंग को, तो वो एक अफेक्ट करता है। शुरुआत में जब जीएसटी लगा तो बहुत तरह की अटकलें थी कि जीएसटी के चलते बिजनेस अफेक्ट हो रहा है, लेकिन मैंने ये देखा कि जिसका जिसका जो भी एजेंसी काम में था, एजेंसी वाले काम में जिसका बिजनेस था, जिसका एक सिस्टम प्रोसेस बना हुआ था कि कंपनी से बिलिंग होना है, विथ बिल आना है, रिटेलर को जाना है या कंज्यूमर्स को जाना है, विथ बिल जाना है, उसको बहुत अधिक प्रॉब्लम नहीं हुई। पेपर वर्क थोड़े से बढ़ गए, थोड़ा सा हैसल फ्री नहीं होके अब मंथली हम लोग को रिटर्न देना पड़ता है, उसका पूरा अकाउंटिंग रखना पड़ता है, तो वो धीरे धीरे अकाउंटेंट्स उसको करने लगे। बिजनेस का जहां तक सवाल है, होता क्या है कि कांग्रेस समय में हम लोग ने यह देखा कि बिजनेसमैन खुल के कमाते थे, मार्केट में कैश फ्लो बहुत अच्छा रहता था। ये ऐसा लगता है कि गवर्नमेंट की कुछ पॉलिसीज है या जो ये सीपेज जिसको कहते हैं आप, ब्लैक मनी को रोक देने का या ये सब करने का जो होता है, उसके चलते मार्केट में एक्स्ट्रा कैश फ्लो रुक गया। एक्स्ट्रा कैश फ्लो रुकने से जो लेविश लिविंग वाली लाइफस्टाइल में पैसा खर्च होता था, रियल एस्टेट्स में जाता था, लोग गाड़ियां खरीदते थे, लोग होटल में खर्च करते थे या कपड़े पे खर्च करते थे, वो सब अब बेसिक नीड्स में ही रह जा रहे हैं। तो मार्केट में पैसा आ रहा है लेकिन पैसा बिगर ग्रुप्स में ज्यादा चला गया, मीडियोकर वाला जो है वो भी मैंने ब्रेड एंड बटर में ही रह जा रहा है, ये मेरे को समझ में आ रहा है। लेकिन ये एक टेम्प्रोरी फिनोमिना है, अगर इस पे हम लोग चलेंगे तो एक बार जब सब चीज सिस्टम में आ जाएगा तो 1-2 साल में हम लोग का ग्राफ डेफिनेटली ऊपर जाना चाहिए। मेरे इनफैक्ट डायरेक्टली बिजनेस में ऐसा कोई इंपैक्ट नहीं पड़ा है, जो मेरा प्रीवियस सेल्स थी वो सेल्स मैं आज भी इजिली कंप्लीट कर ले रहा हूं। तो आपको जीएसटी और बाकी सरकार के पॉलिसी से ज्यादा फर्क नहीं पड़ा है? अगर कुछ फर्क पड़ता है तो उस क्लाइमेट चेंज की वजह से, बाकी कुछ नहीं। ठीक है, अच्छी बात है। ये बताइए कि जो समाज में आज हिंदू समुदाय और मुस्लिम समुदाय के बीच में एक नफरत सी बात होने लगी है जो कि आज से 20 साल पहले नहीं देखा जाता था, ये जो बातें हो रही हैं ये क्यों हुई और अगर इसको ख़त्म करना है तो इसका क्या सोल्यूशन आपके पास है, क्या लगता है आपको? देखिए, ये एक तरह से एक र्यूमर क्रिएट किया गया है या ऐसी एक चीज़ें बनाई गई हैं, लोग सेल्फ एंटिसिपेट कर रहे हैं कि ऐसा होगा। हिंदू और मुसलमान पहले भी एक जगह एक साथ एक परिवार की तरह रहते थे, आज भी हमारे बेतिया में, मैं छोटी जगह है लेकिन मैं ऐसी कोई समस्या नहीं देखता हूं, लोगों में बहुत अधिक भाईचारा है, बहुत अधिक प्रेम है, लोग रहते हैं। बाहर से कुछ र्यूमर्स जो आते हैं, जैसे अभी ये कुछ स्टेप्स लिए गए CAA के, NRC के, वो मुद्दे हैं जो कि लोगों को अवेयर नहीं कराया गया, लोगों को जानकारी नहीं दी गई
और एक अचानक इसको इंप्लीमेंट कर दिया गया। अगर लोगों में बहुत इलिटरेसी है, हिंदू समाज में भी है, मुस्लिम समाज में भी है, उन लोग को अगर हमें ही बोला जाएगा कि आप 70 साल से बेतिया में हैं और आपके आपका जन्म यहीं हुआ है, लेकिन अब आपको डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे कि आप हिंदुस्तानी हैं, इसको सिद्ध करने के लिए, तो मेरी भी हो सकता है परेशानी काफी अधिक पेशानी पे बल पड़ जाए और मैं भी सोचने लगूं कि कहां से ये डॉक्यूमेंट्स लाऊंगा, तो सरकार की विरोधी हो जाऊंगा या एक कौम को विशेष रूप से देखने लगूंगा कि तुम्हारे चलते ये मुझे समस्या आ रही है। लेकिन अगर मुझे ये समझाया जाएगा कि ये समस्या या ये जो चीजें की जा रही हैं ये हमारे भले के लिए हैं, अगर 130 करोड़ हिंदुस्तानी इस देश में रहते हैं, उनको सही तरीके से सरकार का पैसा मिले, उनको सही तरीके से सरकार की सभी योजनाओं का लाभ मिले, जो दूसरी जगह से इलीगल इमिग्रेंट के रूप में आए हैं, जिनके पास यहां का कोई दस्तावेज नहीं है, वो बांग्लादेश से आ गए या दूसरे देशों से आ गए, और वो आज हमारी बहुत चीजें नेपाल चली जाती हैं, गवर्नमेंट उस पर सब्सिडी देती है लेकिन वो चली जाती है नेपाल बिकने, तो यहां के कुछ लोग तो जरूर उससे वंचित हो जाते हैं। तो अगर ये उनको पहले से बताया जाए कि ये पॉलिसी गवर्नमेंट की ये योजना है, इस योजना पे नुक्कड़ सभाएं आयोजित करके सब जगह अगर लोगों को जानकारी दी जाए कि इस योजना से आपको कोई नुकसान नहीं है, बाहर से आने वाले जो इलीगल इमिग्रेंट अब आएंगे या जो फलाना तारीख के बाद आ चुके हैं उनके साथ ये डॉक्यूमेंट्स उनको देना पड़ेगा, अगर वो डॉक्यूमेंट्स देके गवर्नमेंट को या सक्षम पदाधिकारी के कोर्ट में ये सुपुर्द कर देते हैं कि उनको संतुष्ट कर देते हैं तो उनकी भी नागरिकता बनी रहेगी। तो ये सब चीजें कहीं ना कहीं इंप्लीमेंटेशन का रॉन्ग पैटर्न रहा और एक अफवाह ने इसको बहुत अधिक बढ़ावा दिया। आजकल जो फेसबुक और ये सब चलता है उसके चलते भी लोग फेक 90% उसकी न्यूज फेक रहती है और उस पर एक र्यूमर्स क्रिएट हो जाते हैं। नहीं, ये मैं पूछ रहा था कि ये जो नफरत की भावनाएं लोगों के बीच में उठी हैं, ठीक है, जो दिखाई देता है, और अभी एक हाल फिलहाल में दिल्ली में जो घटनाएं हुई, वहाँ के मुस्लिम समुदाय और हिंदू समुदाय दोनों ने ये कहा कि हम लोग जो नेबरहुड थे, पड़ोसी थे, हम लोगों ने ये हरकत नहीं की, ये दोनों समुदाय ने माना। तो ये कौन लोग हैं जो इस भाईचारे को खत्म करना चाहते हैं, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? देखिए, सभी पॉलिटिकल पार्टीज मिला जुला के एक ही होती हैं और उन लोग का अपना कुछ वेस्टेड इंटरेस्ट होता है, किसी पार्टी का कोई एजेंडा होता है, किसी पार्टी का कोई एजेंडा होता है, वो किसी एक विशेष कौम को साथ में लेके चलती है, कोई सभी को लेके चलना चाहता है, तो ये उन लोग का अपना रोटी सेकने का नजरिया है, उससे आम पब्लिक को, आम व्यापारी को, आम नागरिक को कोई फर्क नहीं है और वो इसके पीछे अपने सौहार्द को नहीं बिगाड़ना चाहेगा। ये हर जगह ऐसी चीजें होती है, सभी जातियों में कुछ असामाजिक तत्व होते हैं जो इस चीज को, इसका मौका का फायदा उठाना चाहते हैं, ये उन्हीं की हरकतें हैं, नहीं तो मोहल्ले में हर जगह शांति है और हर जगह लोग में भाईचारा, तो अमन चैन है। हमारे व्यूअर्स को आखिर में क्या मैं संदेश देना चाहेंगे? किसी भी अफवाह में नहीं जाए, सरकार की जो भी नीतियां हैं उसको समझें, अपने आप पे और अपने पड़ोसियों पे और अपने लोकल भाईचारे और सौहार्द पे विश्वास बनाए रखें, उन लोग से प्रेम बनाए रखें, और इस बात की गारंटी है कि आपस में अगर आप लोग कोई अफवाह के चक्कर में नहीं पड़ेंगे तो कभी भी कोई भी ऐसा रायट या कोई भी दंगा आपके समाज में नहीं होगा, चाहे उसमें किसी भी जाति के लोग हों, क्योंकि सभी कौम में सभी लोग अमन पसंद होते हैं, ऐसे 5% ही होते हैं जिनका कोई दूसरा वेस्टेड इंटरेस्ट होता है और वही इस चीज में आगे बढ़ के इसका लाभ लेते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।